फ्रॉम कृषांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात करता है कि अगर रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि इसको आप समझिए कि अगर 2005 में ये एक्ट आया, ठीक है, इससे पहले अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलती है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका उसको इफेक्ट नहीं करता। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट सिंपली ये बात कर रहा है कि अगर आपने कोई डोमेस्टिक वायलेंस में भी मेंटेनेंस ले रखा है, यानी कि और आपने 125 भी मेंटेनेंस में डाल रखा है, ठीक है, तो ये प्रोसीडिंग्स इफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, कि क्रॉस नहीं कि आपने इसमें डाल रखा है और इसमें क्यों डाल दिया, या आपने कोई कंपनसेशन के लिए डैमेजेस क्लेम करने के लिए सिविल केस डाल रखा है, तो ये चीजें आपका इफेक्ट नहीं करेंगे आपके केसेस को। तो सिंपली ये बता रहा है कि अगर आपने उससे मिलता जुलता भी कोई केस डाल रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी कोई चीज कर रही है बात, और आपका बाकी वो दूसरा एक्ट भी ये बात कर रहा है, तो आपको आप पे वो डोमेस्टिक वायलेंस केस को वो इफेक्ट नहीं करेगा केस, ठीक है, ऐसे समझिए। इन केस आपका अगर कोई, बस आपको ये है कि आप बाउंड अप हो कि आप ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कंपनसेशन का केस डोमेस्टिक वायलेंस में भी दे रखा है और आपने सिविल कोर्ट में सिविल सूट भी फाइल कर रखा है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का केस फाइल करेगा। ये टू यही बात कह रहा है। थ्री ये कह रहा है कि ड्यूटी है आपकी कि मैजिस्ट्रेट को बताओगे कि सर हमने ऐसे सेम ग्राउंड पे आपका सिविल सूट भी फाइल कर रखा है, मैजिस्ट्रेट आपके पास भी ये केस कंपनसेशन भी हमने ऐसे कर रखा है, ये बाउंड अप है ड्यूटी। आप मैजिस्ट्रेट को नहीं बताया तो 188 की एफआईआर हो जाएगी, और कोर्ट जो कोर्ट में झूठ बोला तो वो अलग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 27, ज्यूरिडिक्शन कहाँ से बनेगी, ठीक है, पहले ऐसे समझिए जहाँ एग्रीव पर्सन रहता है, ठीक है, यानी कि जो एग्रीव पर्सन वुमेन है, चाहे वो वाइफ हो कोई भी हो, एक वुमेन होनी चाहिए, जहाँ वो रहती है, टेम्परेरी रहती है, परमानेंटली रहती है, या अपना काम चलाती है, या कहीं पर भी वहां पर, या रिस्पॉन्डेंट है जहाँ वो रहता है, जहाँ वो अपना काम चलाता है या जहाँ बिजनेस करता है, ठीक है, या कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पर अराइज हुआ हो, ठीक है, वही कोर्ट आपका ज्यूरिडिक्शन कर सकती है। एंड एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, इसके जितने भी ऑर्डर होंगे वो इन्फोर्सिबल होंगे थ्रू आउट इंडिया, यानी कि एंटायर इंडिया पे लगेंगे, यानी कि शाहदरा का मैजिस्ट्रेट आपका यूपी के मैजिस्ट्रेट को भी ऑर्डर, मतलब यूपी के मैजिस्ट्रेट को नहीं, मतलब यानी कि यूपी में भी किसी भी ज्यूडिक्शन में कोई भी एरिया में ऑर्डर दे सकता है कि इसको फॉरफिट करे, इसकी प्रॉपर्टी को ये करे वो करे, फलाना ढिमकाना कोई भी रख है, ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी ज्यूडिक्शन पे ऑर्डर दे सकता, वो कहीं के भी ऑर्डर दे सकता है। अब इसे एक बार ज्यूडिक्शन के वाले को देखिए, आपका प्लेंट हम कंप्लेंट में क्या लिखते हैं, दैट द पार्टीज, यहाँ पर क्या था कि पार्टीज है, ठीक है, यानी कि आपका एग्रीड पर्सन भी और आपका रिस्पॉन्डेंट भी आर रिजाइडिंग इन द विद इन द जुडिक्शन, जो भी जुडिक्शन है, जैसे शाहदरा की जुडिक्शन है वहां रहते हैं, ऑनरेबल कोर्ट की, हेंस दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज द जुडिक्शन एंटरटेन बिसाइड दिस पेशेंट, यानी कि ये दोनों होती है, ठीक है। अब इसमें सिंपली बात है, पार्टी अगर मान लो यहाँ पार्टीज की जगह पर एग्रीड पर्सन होता, ठीक है, तो एग्रीड पर्सन जहाँ रिजाइड करती है वहां पर भी, ठीक है, परमानेंटली भी या आपका टेम्परेरी भी, ठीक है, कोई होता है कि जो एग्री पर्सन है वो अपने मैट्रिमोनियल होम से पिटपिटा कर अपने पापा के घर आके रहने लग जाती है, पेटर्नल होम में रहने लग जाती है, ठीक है, तो वो वहां से क्या केस डाल सकती है क्या, जहाँ वो अपने पेटर्नल होम में रहने लग गई है, तो आंसर इज यस, अपने फादर का आधार कार्ड लगाएंगी, ठीक है, एफिडेविट लगाएंगी, या कहीं रेंट पे रह रही है वहां पर लगाएंगी, ठीक है, और वो जुडिक्शन बन जाएगी, ठीक है, तो ये बात इतनी सी कह रहा है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 28। सेक्शन 28 ये कहता है कि, तो अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। 28 क्या कहता है कि आपका सेक्शन 12 में जब हम मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाते हैं, 18 बात करता है आपका कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए बात करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात करता है, 19 बात करता है आपका रेजिडेंस की, 20 बात करता है आपका मॉनिटरी की, 21 बात करता है आपका कस्टडी की, और 22 करता था कंपनसेशन की, और 23 बात करता है एक्सपार्टी की, ठीक है। एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 31, 31 को आप ऐसे समझिए कि अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है, पर 31 को ये समझिए कि पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पॉन्डेंट, मतलब यानी कि जो आपका रिस्पॉन्डेंट पे लगाया है कि आप पैसा दोगे 18 में आप एग्री पर्सन के आसपास नहीं जाओगे, 19 में आपका ये रेजिडेंशियल ऑर्डर्स हो गए, ठीक है, आपका 20 में आपका मॉनिटरी हो गया, 22 में 22-23 में जो भी आपके ऑर्डर्स हैं उसको रिस्पॉन्डेंट नहीं मानता, ठीक है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, तो उस चीज़ की वो बात करता है 31 की, ठीक है। और उसका प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, सीआरपीसी के तहत चलेगी, ठीक है, प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, सीआरपीसी के तहत चलेगी। नथिंग दिस सब सेक्शन 1 शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम लिंग डाउन द प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजेबल, यानी कि अगर सेक्शन 12 की और 23(2) की एक्सपायरी की और इंटरिम ऑर्डर की एप्लीकेशन है, ठीक है, इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मतलब केस को खत्म करने के लिए जज जो है, मैजिस्ट्रेट जो है, वो अपने हिसाब से भी प्रोविजन बना सकता है, अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी ले सकता है, ठीक है। सेक्शन 29 बात करता है अपील की, कि अपील जो होती है वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोल लो या एमएम बोल लो,
तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? आपका कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। और कितने दिन में जाएगी? लिमिटेशन पीरियड कितनी है आपका? 30 डेज है, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। और आप एवरी पर्सन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इन द केस में भी चाहे, तो मतलब इसमें सिंपली बात लिखी है कि 30 डेज में आप करेंगे, पर ऐसा होता है कि कोर्ट से जो सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी मिलती है तब से 30 डेज भी गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो 30 डेज इसमें लिमिटेशन है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 30। देखिए सेक्शन 30 क्या कह रहा है? सेक्शन 30 कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होंगे, ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स के मेंबर होंगे वो पब्लिक सर्वेंट में माने जाएंगे, जो आपका आईपीसी के सेक्शन 21 में डिस्क्राइब है, ठीक है। अब सेक्शन 31 क्या कह रहा है कि अगर रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट आपका किसी भी ऑर्डर का या इंटरिम ऑर्डर का 23-2 में जो इंटरिम ऑर्डर लगते हैं उनका ब्रीच करता है, ठीक है, उनको ब्रीच करता है तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी? 1 साल तक की सजा मिलेगी विद फाइन, और आपका 20,000 भी फाइन लग सकता है, ठीक है, या तो फाइन लगेगा या दोनों सजा होगी, या दोनों साथ में भी, सजा भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, ठीक है, या दोनों चीजें साथ भी हो सकती हैं, या दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो अक्यूज्ड माना जाएगा उस केस का, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा है कि जैसे मान लीजिए 498A की है, 498A की जो FIR होती है या डोरी प्रोहिबिशन की एक्ट है, कोई भी उससे रिलेटेड, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई FIR भी हुई है, तो इस ऑफेंस का कि उसने ऐसे ऑर्डर्स को नहीं माना था उसका भी माना जाएगा। लेकिन देखो आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझिए कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ को छोड़ के, समझिए जैसे ये एक आपका एग्रीड पर्सन है, यानी कि कंप्लेनेंट है, ये कहती है कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में बताती है कि ये जो आदमी है वो मेरे को परेशान कर रहा है, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का ऑफेंस का वो लगाती है कि सेक्शन 23 में कि मेरे करेक्टर को एसिनेट कर रहा है, और इन दोनों का डोमेस्टिक रिलेशनशिप है रिस्पॉन्डेंट का। अब इसके रिस्पॉन्डेंट के खिलाफ में सेक्शन 18 के ऑर्डर्स हो गए, ठीक है, कि प्रोटेक्शन कहा दिया कि तुम इसके पास नहीं आओगे, आस पास नहीं आओगे एग्रीड पर्सन के। अब ये इस बात को नहीं मान रहा तो क्या होगा एग्रीड पर्सन, तो क्या होगा? सिंपली सेक्शन 31 में से रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और FIR भी होगी क्योंकि ये कॉग्निजेबल केस है, ठीक है, और आपका साथ ही साथ में नॉन बेलेबल है, ठीक है, आपका बेल भी नहीं होगी, जो आपका बात सेक्शन 32 कह रहा है। देखिए सेक्शन 32 क्या कह रहा है? सेक्शन 32 कह रहा है कि आपका कि इसका जो ट्रायल कौन करेगा, किसका ट्रायल कह रहा है? 31 का ट्रायल कौन करेगा, ठीक है, 31 का ट्रायल करेगा मैजिस्ट्रेट ही करेगा, ठीक है, और ये कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल होते हैं ऑफेंस तो FIR भी होती है, और नॉन बेलेबल है यानी कि बेल नहीं होगी, जज साहब आपको बेल देंगे या नहीं देंगे वो चीज डिसाइड करेगी। और किस बेसिस पे? सोल बेसिस, सोल टेस्टिमनी, किसकी टेस्टिमनी? एग्री पर्सन की, उसके बेस पे ही आपको सॉरी द कोर्ट में कंक्लूड द एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 11 हैज बीन कमिटेड, तो वो ये मान लेगी कि हाँ हुआ, ठीक है। जैसे इस बात को समझिए, एक एग्री पर्सन है वो कहती है और रिस्पॉन्डेंट है, रिस्पॉन्डेंट के खिलाफ में सेक्शन 18 19 20 21 पर जो भी ऑर्डर है सब पे हो जाता है। अभी एग्री पर्सन जाती है कोर्ट के सामने, ठीक है, एग्री पर्सन जाती है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट कहेगा कि लाओ मैं इसकी सेक्शन 31 में FIR कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें 31 में FIR तो होगी नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि एग्री पर्सन कैस बेस पे हो जाएगा। अगर ये सिर्फ अपने एफिडेविट ही दे देगी ना कि हाँ इसने ब्रीच कर रहा है रिस्पॉन्डेंट की, ये मेरे आसपास आ रहा था अगर 18 में है, या मेरे को प्रॉपर्टी से निकाला है, ये वो ऐसे ऐसे कुछ भी ऑर्डर को नहीं मानता ये, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक 31 में FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है, नॉन अवेलेबल होगा, कॉग्निजेबल होगा, ठीक है। और किसके बेस पे हो जाएगा? सिर्फ एग्री पर्सन ने अपनी टेस्टिमनी दी है ना, टेस्टिमनी का मतलब उसने गवाही दी है, और टेस्टिमनी मतलब एफिडेविट लगा दिया साथ में, अपनी बात को जो कहा है वो कहा है कि जो कहूंगी सच कहूंगी, ठीक है, इस बेस पे उसको आपका सजा भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कमिटेड बाय द अक्यूज, तो इस बेस पे भी आपका हो सकता है, ठीक है। हालांकि कोर्ट जो है वो थोड़े एविडेंसेस देखते हैं, एफिडेविट इसलिए लगाती है अगर ये झूठी पाई गई तो इसके ऊपर एफिडेविट में झूठ बोलने तक की ऑफेंस सजा मिलेगी, ठीक है, कि कोर्ट में आपने परजरी का केस लगा ये वो, इसकी भी सजा मिलती है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 33। सेक्शन 33 ये कह रहा है कि पेनल्टी, ठीक है, किस पे पेनल्टी? नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी, मतलब काम ना करना, क्यों करना? प्रोटेक्शन, मतलब जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो ड्यूटीज है वो आपका सेक्शन 9 में जो बता रखा है, ठीक है, ये सेक्शन 9 में बता रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज है। अगर अपनी प्रोटेक्शन ऑफिसर कोई ड्यूटीज नहीं निभाता, ठीक है, जैसे कि मजिस्ट्रेट को असिस्ट नहीं करता, DIR रिपोर्ट सही से बनाकर नहीं लाता या बनाता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कितने साल की सजा होगी? उसे 1 साल तक की सजा होगी या फाइन लग सकता है, ठीक है, 1 साल तक की उसे सजा भी हो सकती है या फाइन भी लग सकता है। एक मिनट, हाँ सॉरी, फैन में चलना बंद हो गया था, या एक मिनट,
या तो उसे 1 साल तक की सजा होगी या फाइन भी लग सकता है, विच मे भी एक्सटेंड 20,000, यानी कि 20,000 भी आपका फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें साथ भी हो सकती है, सजा भी साथ में होगी, फाइन भी लग सकता है। अब सेक्शन 34 क्या कहता है कि जो 33 का जो कॉन्गनीजेंस है वो कौन लेगा, कि अब जैसे क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, हमने पढ़ा कि सेक्शन 30 में हमने एक पढ़ा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होगा वो आपका एक पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है, सेक्शन 30 में भी जब हमने पढ़ा, तो यानी कि जब पब्लिक सर्वेंट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है पब्लिक ऑफिसर, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अब इसको इसके ऊपर केस चलाने से पहले सेंशंस लेने पड़ते हैं, प्रीवियस सेंशन मतलब यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये केस कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी ब्रीच कर देता है तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई सेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा केस उस पर चलेगा, ठीक है। और कौन लेगा, मैजिस्ट्रेट उसका कॉन्गनीजेंस लेगा, ठीक है, कॉन्गनीजेंस का मतलब नॉलेज में लेगा, यानी कि जब जुडिशियल माइंड अप्लाई होता है इसे कहते हैं कॉन्गनीजेंस। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, अगर मान लीजिए कोई सूट नहीं लेकर आया जा सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं लेकर आ सकता, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर या आपका सर्विस प्रोवाइडर कोई गुड फेथ में काम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्डेंट के खिलाफ कोई अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं, ठीक है, तो और वो क्या होता है, अगर ये झूठे साबित हो जाते हैं तो इनके ऊपर तो 182 की FIR हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर पे और सर्विस प्रोवाइडर की, सरकारी बंदे को तुमने झूठी खबर दी है, ठीक है। पर अगर मतलब गुड फेथ में करा है, गुड फेथ में रिस्पॉन्डेंट की करी थी कि यार इनको तो इसकी वाइफ ने बताया था, रिस्पॉन्डेंट की वाइफ ने, यार इनके साथ ऐसे हो रहा है, इन्होंने गुड फेथ में जाके FIR करवा दी या प्रोटेक्शन कंप्लेंट केस डाल दिया सेक्शन 12 में आपका डोमेस्टिक वायलेंस का, तो इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, मतलब गुड फेथ में अगर कुछ करा तो आप पे केस नहीं दर्ज होगा। ये कह रहा है कि आपका सेक्शन 36 कह रहा है कि कोई डेरोगेटरी नहीं है आपका, डेरोगेशन नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की अलग प्रोसीडिंग चलेंगी, और अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपने 125 पे भी फाइल कर रखा है, हिंदू मैरिज एक्ट पे भी फाइल कर रखा है, तो उनकी भी प्रोसीडिंग अलग चलेगी, ये नहीं कि आपको बार्ड नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये बात कह रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 37 की, जो लास्ट सेक्शन है, जो सिंपली ये कह रहा है कि इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाने की पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करेगी, पर इस एक्ट को बनाने की या नोटिफिकेशन कुछ करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो और इसमें ये सिंपली अब इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें ये बताया गया कि 30 डेज के अंदर अंदर अगर इसमें कुछ बनाना है तो आपका दोनों हाउसेज में 30 डेज के अंदर एक अब बना देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो 30 डेज में वो काम हो जाना चाहिए, तो बस ये बताता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अब हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके।